Thanks for coming. And of course, we have our speakers, J. Brandon Hill, Karina Pandya already. Where is Param Kalra? Param Kalra is the kingmaker, or you know, the screen maker, or he's the one who's championed the screening from the beginning. He's the one who's going to be a very interesting journey. Short films are big projects, and that's the message we have put out, I think, that but it deserves the same respect. A story can be told in 40 minutes, 20 minutes, or 3 hours. Is the screening, Tipu, are we ready with the sound? So let's go ahead and watch. उधर एक बार देखिए जल्दी, एक बार स्माइल, थैंक यू चार्ली सर, वन वन पिक्चर मो सर, वन वन स्टैंडिंग यार. ठीक है. कैसी लगी आपको? काफी अनोखी स्टोरी है, काफी कुछ सीखने जैसा है, यंग जनरेशन को काफी सीखने जैसा. आप कुछ अगर बताना चाहो किस तरह से लगी आपको? ट्रूली स्पीकिंग, मैं बहुत मतलब फिल्म पूरी नहीं देख पाया हूँ मैं तो. मुझे एक बारी और मैंने डायरेक्टर साहब से बात करी है तो उन्होंने बोला कि भेजें. बट जितना मैंने फिल्म के बारे में देखा, सुना, रिस्पांस भी सुने, एंड थोड़ा बहुत जो मुझे भी पता है, एक तो बहुत यूनिक टॉपिक पर फिल्म है, पीपल प्लीजिंग के ऊपर फिल्म है. तो आमतौर पर हम लोग जैसे इस चीज़ में घुस जाते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों को प्लीज़ करना है ताकि हमारी बात बन जाए, या किसी से हमें कोई काम पड़ता है, या फिर एक जनरल हमें एक पीयर प्रेशर होता है कुछ तरक्की पाने के लिए, नेम और फेम पाने के लिए, कि दुनिया में सोशली हमारी इमेज थोड़ी सी अच्छी रहे. तो फिल्म काफ़ी कुछ उस चीज़ के बारे में बात करती है कि किस तरीके से लोगों को प्लीज़ करने का जो एटीट्यूड है जिसमें हम खुद को खो देते हैं, राइट, वो चीज़ क्या है. तो मेरे हिसाब से फिल्म एक सही बात के ऊपर बनी है, और बहुत ही कम तौर पे शायद हम इन चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं, और शायद हम इसको एड्रेस भी नहीं करते कि एक सोशल डिसऑर्डर है. सोशल क्या, एक मेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली. कि आपने काफ़ी लोग देखे होंगे, किसी को भी देखते तो ऐसे हो जाते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, सबसे ही. तो ये एक फेकनेस है, एक डुप्लीकेसी है जिससे आप खुद से दूर होते जाते हैं एंड आपके अपनी असली पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं है. दैट इज़ वॉट फिल्म इज़ टॉकिंग अबाउट. सो मेरे ख्याल से हर ऑडियंस का अपना पर्सपेक्टिव होगा. मैंने भी अभी ढंग से फिल्म देखी नहीं है, तो ढंग से जब मैं देखूँगा ये चीज़ शायद मुझे भी एक अलग तरीके से अफेक्ट करे. मेरी ज़िंदगी में कब मैं ऐसा हुआ, कब नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि एक बच्ची की कहानी है, छोट बचपन से स्टार्ट होता है उसका मामला, ये सब तो खैर देखा ही. सो वो आपको भी रिलेट करेगी, और बच्चे जो होते हैं प्योर होते हैं, वहीं से ही टॉक्सिसिटी, वहीं से सारी चीज़ें, राइट रॉन्ग की जो समझ है हमारी बचपन में ही बनती है, और दुनिया के हिसाब से हम अपना राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं, ना कि अपने हिसाब से, विच इज़ ऑल्सो बींग टॉक्ड अबाउट इन द फिल्म. सच बोलूँ, मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता. मुझे लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि किताब जहाँ ख़त्म हुई थी, इन्होंने स्टोरी भी अप्रॉक्सीमेटली वहीं ख़त्म करी, थोड़े अपने तरीके के, अपने अंदाज में. तो सेक्रेट गेम्स का तो पता नहीं, पर हाँ काफ़ी कुछ आने वाला है. मैंने ही नेटफ्लिक्स के लिए एक शो किया हुआ है चूना, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी हाल फिलहाल एक आध महीने में रिलीज़ होना चाहिए, अगस्त तक शायद आ जाए. क्या है इसका? हाइस्ट है, जैसे मनी हाइस्ट था, तो आप इंडियन मनी हाइस्ट टाइप कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ देखेंगे आप. और इसके अलावा एक बड़ी फिल्म भी है जो आएगी, जिसके बारे में बातचीत चल रही है, शाहरुख साहब की फिल्म है, साल के अंत में आएगी. इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं उसके बारे में. थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम. सबसे पहले किस तरह लगा?
देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी Q&A हुआ तो किसी ने कहा कि फिल्म हिंदी में होती तो अच्छा रहता। इन सर्च ऑफ जूलियन मेरे ख्याल से फिल्मों का कोई मापदंड नहीं होता, फिल्में फिल्में होती है, फिर चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, डॉक्यू फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, फिल्म फिल्म होती है और हर फिल्म का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो ये फिल्म जो है माना कि शॉर्ट फिल्म है और एक कम अनुभवी लड़की ने बनाया, लेकिन मैंने जैसे कि कहा मापदंड नहीं होता है, एक टीनेज का जो माइलेज था इस फिल्म में और वो लाइनेज देखने को मिलता है। और फिल्म में मतलब मैं कहूँगा कि वो सारे गुण थे जो इस फिल्म को सर्वगुण संपन्न बनाता है। और फिल्म अगर लैंग्वेज कहे हम लोग अंग्रेज़ी तो वो भी हम लोग को इतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि फिल्म से चूँकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इसलिए फिल्म से हम बहुत जल्दी मतलब समझ पाते हैं उसका सार क्या है। और बाकी सारे एक्टर्स जो भी इसमें एक्टर्स थे वो सारे बहुत ही सहज थे, क्योंकि सरलता और सहजता ये दो ही होती है चीज़ें जो आपको कनेक्ट करवाती है, तो ये बहुत अच्छी लगी। और इसमें कहूँगा कि वो सारे एंगल थे स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, फिलोसफिकल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सब कुछ था। तो ये सारे शब्दों का जो चयन मैंने अभी बोला ये पूरा पिरोया हुआ था, तो एक बहुत अच्छी माला बनी थी जो मैं ले जा रहा हूँ पहन करके साथ में। यार ये फिल्म मतलब काफ़ी बहुत डीप जो अंदर सोच के लिखा गया वैसा वाला फीलिंग है फिल्म है। एंड द इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना जो काफ़ी लोगों को बहुत लेट पता चलता है, जो मुझे ही खुद कॉलेज में आके पता चला था कि कुछ इनर चाइल्ड जैसा चीज़ होती है। एंड ऐसा चीज़ एक जूलियन जो है शी इज़ 17 राइट नाउ और शी वॉज डूइंग इट सिंस शी वॉज 15, तो हैट्स ऑफ टू हर कि इतना डीप चीज़ कुछ खुद के बारे में सोच के लिखना एंड क्रिएट करना, हैट्स ऑफ है सीरियसली। यस यस हाँ। एक्चुअली जो नरेशन प्लस म्यूजिक BGM जो है उन दोनों के साथ में जो मिलके पूरा परफॉर्मेंस बना है इट इज़ ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट। द सॉन्ग्स, म्यूजिक, एवरीथिंग, इट लैंडेड बैंग ऑन एकदम। स्टार्टिंग एकदम वेस्टर्न से होता और एंड में आते आते इट बिकम्स एन इंडियन क्लासिकल वाले जोन में एंटर करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा दैट होल प्रोसेस। एंड या नरेशन इज़ क्वाइट सूदिंग, जो मेन एक्ट्रेस है शी टेक्स द होल जर्नी एकदम साथ में पकड़ के चल के, हाथ में पकड़ के चल रहे हैं जैसा, दैट सॉर्ट ऑफ फेल्ट। थैंक यू Thank you so much. You are very mature with the content. Mm-hmm. How this content came in your mind and the narration part was so good. Thank you so much. I feel very close to the narration. Thank you. Tell us something. So the narration, honestly, it took so much time. There were so many tries because, of course, I was just 15 at that time, right? So I didn't have any knowledge about this. Plus, it was my first time being in front of the camera and I was so nervous. And there were so many breakdowns. I would like be narrating and I'd start crying because I was so nervous. But then it took tries and there was a whole process, and then eventually I came along with the narration and everything went magically. So yeah. When you were narrating the story, mm-hmm. I saw the mature level was very high. How did that came? Because I saw you break down, you were in tears at the end of the day. You know, somewhere so many people biopic yourself. Mm-hmm. Yeah. I would say mine also. How did things came? How the maturity came? I think I'd honestly say when I was recording, I was a whole different person. Like, I had no clue who was talking, but I was a whole mature girl, just, you know, talking freely about it. But then, yeah, there were a lot of tries and maturity came with progress. And my mom really supported me a lot. She was there throughout the time and throughout the way. And I think that's how the maturity eventually came in place. Yeah. Young character, tell us something about she was kind of, she was very good with the role, tell us something.
So the little girl, the director, he found her itself, and she didn't really have any experience with acting, and so we would sit in the morning and practice, and like, you know, the director would come and he'd like teach her a few moves and like, you know, how to be in front of the camera. And so yeah, I mean, I think it was her first time as well, and she was amazing. She was so wonderful. She was extraordinary, and yeah, that's. Welcome, thank you so much. Thank you. Paul. Okay. Julian, you want to join me? Come. So how was it? The movie was amazing. Like, I literally connected with the movie because I feel it happens with everybody in their life. And jab hum chote hote hai, to hume pata nahi hota what it is actually. So I think this movie will really gonna help many youngsters, many teenagers, even the youth, so that they can learn what is actually happening with them, so that they can evolve through it and they can overcome their fears and they can find themselves. So it's really important in the life to find yourself and being spiritual. Spiritual is not a negative term, it's a really positive term, because it's really important for everybody to be spiritual so that they can connect to their higher self and they can find their questions by themselves. So it's really important in this rushing world to sit for 15 to 20 minutes with yourself and talk to yourself, like what's going on in my life. If you want to pick anything that you have learned from this, I am myself a very spiritual person, and I'll say that I'm connected to myself, my higher self also. But still, sometimes what happens, being an actor, the rush is too much. So, हमारी life में बहुत सारी problems आ जाती हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा up downs होते हैं. But this movie literally helped me, and I would like to call Julian. Please come here. Thank you for making this movie and connecting. You know, ourselves with ourselves again. Thank you so much. It's a very inspirational movie, and everybody should watch. Thank you. Please post the link soon. I will. Thank you so much. Yeah, thank you.